हाय गाइस, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल विच इज़ टफ फूड सीक्रेट। तो प्लीज़ आइए मेरे साथ, आज हम एक रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं। वो रेसिपी एक्चुअली ईरानियन रेसिपी है, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करके इन बिटवीन मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चेंज कर रहा हूं, क्योंकि ईरानियन तो चिल्ली तो खाते ही नहीं है, मिर्ची नहीं खाते हैं, तो मैं उसको अपने थोड़ा सा अपना अंदाज दे के तो वो ईरानियन डिश जो है ना बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए वॉच कीजिए कैसे वो बनाता हूँ। तो आइए नाजरीन, हम अब इसको ईरानी डिश को हम तैयार करते हैं। ये हमने दो बड़े बड़े बैंगन लिए हैं, इनको हम बर्न करने लगे हैं। तो बर्न करने के लिए मेरे पास ये पड़ी हुई थी, ये सीख पड़ी हुई थी, तो सीख की ये बार्स, तो मैंने इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो ये नाज़रीन, ये हमारे बैंगन जो हैं ये जल गए हैं, अब इसको हम बंद करते हैं। तो नाज़रीन, हमने ये टोमेटो बॉईल कर लिए हैं जो इसमें इस रेसिपी में जाएंगे, और मैं आपको मसाला जात जो आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ थोड़ी सी चिल्ली जाती है चिल्ली के फ्लेवर के लिए। ये मैंने दो बड़ी इस साइज़ की दो चिलीज जो है ना वो चॉप कर लिए हैं, और ये दूसरी जो है ना वो बुलेट चिल्ली जिनको बोलते हैं, वो तीन मैंने चॉप की है, और ये वाला गार्लिक। तो नाज़रीन, ये मैं इसमें अब ऑयल डालने लगा हूँ। इसमें 150 मिलीग्राम आयल जाएगा, आप कोई भी आयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ओलिव आयल लिया है। तो नाज़रीन, हम अब इसमें आयल जो है ना वो हीट अप हो गया है, अब हम इसमें गार्लिक जो काट के रखा था, ये तकरीबन 10 से 12 जो हुए थे लहसुन के, तो इसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ये जब थोड़ा सा इसको कुकर को हमने थोड़ा सा फ्लेम को लो कर दिया, टोमेटोस बॉईल किए थे, बॉईल करने के बाद मैंने स्किन उतारने के बाद इनको मैश कर लिया है। ये इस शेप में आ गए हैं, ये तकरीबन ये प्यूरी सी बन गई है। अब इस प्यूरी को ऐड करेंगे। ये गार्लिक ब्राउन हो गया है, ये लीजिए आप पूरी इसमें जाने लगी है। अब इसमें हसबे जायका हम नमक ऐड करेंगे, ये लीजिए नमक हो गया, और थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिल्ली रेड चिल्ली ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। तो नाज़रीन, ये अब जो है ना टोमेटो सॉस जो बन गई थी, इसको हम कुक कर रहे हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चूँकि ये हमारी रेसिपी नहीं है इसलिए इसमें अंडे जाते हैं, तो वो तकरीबन चूँकि मैंने बैंगन लिए हैं, जितने बड़े बैंगन लिए हैं उसके हिसाब से मैं इसमें तकरीबन 5 अंडे जो है ना इसमें ऐड करूँगा, लेकिन वो आखिर में जाएँगे, वो आपको बताऊँगा कि कब अंडे जाएँगे। तो नाज़रीन, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ वो जो बैंगन हमने स्किन उतार दी थी, इनको काट लिया है, और एक चीज़ जो उसको थोड़ा सा ज़्यादा बर्न करना चाहिए था मुझे, लेकिन वो उतना ज़्यादा मैं बर्न नहीं कर सका, तो ये दरमियान में से थोड़ा सा आपको ये नज़र आ रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद, ये कच्चा है, लेकिन ये इसके अंदर जाने के बाद ये कुक हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये चले गए हैं अंदर, ये ख़ुद मैश हो जाएंगे।
तो नाज़रीन ये लीजिए, हमने जो ये ग्रीन चिलीज काटी थी छोटी वाली जो लगती हैं आदमी को, ये वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये मैंने 6 अंडे जो है ना वो तोड़ लिए थे और इनको इस तरह बीट कर लिया है, और इसको थोड़ी देर के बाद हम मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन ये है अब इसकी कुछ लुक, और प्लीज़ जब आप इनको बर्न करें, बैंगन बताऊँ पंजाबी में बोलते हैं और बैंगन बोलते हैं, इंग्लिश में ओबजीन बोलते हैं, तो जब इसको आप बर्न करें तो इतना फुली बर्न कर लें कि बर्नर पे ही ये कुक हो जाएंगे, और छिलका उतारने के बाद इनको मैश कर लीजिएगा। ये देखिए किस तरह मैश, ये अगर कोई थोड़ा सा फ़र्क रह जाए तो वो इसमें वो मैश हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जो बीट कर चुके हैं हम 6 अंडे, इसमें हम वो डालने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स ये मिर्ज़ा कासमी जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में एक डिश बनती है बैंगन का भरता या भत्ता वट एवर, वो भरता या भत्ता उसी की तरह बनता है, सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि इसका अपना स्टाइल है, इसमें ऑनियन नहीं जाता है इस डिश में, पाकिस्तानी और इंडियन डिश में वो ऑनियन भी जाता है और इसमें अंडे जाते हैं, और पाकिस्तानी डिश में अंडे नहीं जाते, वो भी भरता है, भरते में एक्स्ट्रा थोड़ा सा चीज़ है जो अंडे जाते हैं, और चिल्ली अपने हिसाब से आप डालिएगा। मैंने ग्रीन चिल्ली ली है और रेड चिल्ली बिल्कुल मामूली सी। तो व्यूअर्स ये हमारी मिर्ज़ा कासमी डिश जो है वो रेडी हो गई है, अब हमको आपको दिखाते हैं डिश आउट करके कि कैसे लगती है।